खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां बसपा नेता ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रथ यात्रा से डर चुकी है, जिसकी वजह से आजमगढ़ में कभी योगी आदित्यनाथ आते हैं तो कभी स्वतंत्र देव आते हैं। सपा नेता ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव बीमारी थोड़ा ही ना है, बीमारी तो भाजपा में है, हमें तो भाजपा का इलाज करना है और जनता 2022 के चुनाव में इस बार भाजपा का इलाज जरूर करेगी। आगे बोलते हुए सपा नेता ने कहा कि भाजपा में भीड़ बुलाकर लाई जाती है। अभी आपने देखा होगा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के देर से आने पर सभा स्थल पर कोई भी नहीं था, सारी कुर्सियां खाली पड़ी थीं। इससे ही पता चल जाता है कि भाजपा में भीड़ किस तरीके से बुलाई जाती है। आगे सपा नेता ने हमलावर होते हुए कहा कि आपने देखा होगा कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर से रथ यात्रा लेकर आजमगढ़ आए थे तो देर होने के बाद भी जनता ठंड में रात में अखिलेश यादव के स्वागत में खड़ी रही, डटी रही, लेकिन भाजपा के लोग दिन दहाड़े ही भाग जाते हैं। आगे सपा नेता ने कहा कि आजमगढ़ समाजवादी विचारधारा का गढ़ है, आगे भी समाजवादी विचारधारा का ही गढ़ रहेगा। अब केशव प्रसाद की छोड़िए, पूरी भाजपा ही अखिलेश यादव पे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ले, मुख्यमंत्री से लेकर उप मंत्री तक लेके मंत्री तक लेके सभी लोग जो कर रहे थे, जो मजबूत होता है उसी का विरोध किया जाता है ना। तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, ये लोग हिल गए हैं और बार बार वो आजमगढ़ में आ भी रहे हैं, बार बार अपना बयान दे रहे हैं, परियोजनाएँ ला के जो ना घोषणा कर रहे हैं, तो ये सब करने से आजमगढ़ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश के लाइलाज हैं, तो अखिलेश कोई बीमार थोड़ी ना कि उनका इलाज करना है, जो लोग बीमार रहते हैं उनका इलाज करना है, बीमारी तो भाजपा में है, इलाज तो हमको भाजपा का करना है, अखिलेश यादव को थोड़ी करना है। और योजनाएं ला के कर रहे हैं, आपने देखा होगा, मैं एक दिन बयान दिया था आपके चैनल को कि वहाँ भीड़ बटोर के आती है, श्रद्धापूर्वक नहीं, पार्टी की आस्था से नहीं आती, और उसका नतीजा परिणाम आपने कल देख लिया कि केशव प्रसाद जी अपने समय निर्धारित के बहुत लेट, लगभग 6-7 बजे आए, वहाँ एक भी जनता नहीं रही, क्योंकि वो भाड़े की जनता थी, बटोरी जनता थी, वो वापस चली गई। अपने नेता के तई जिसके मोहब्बत होगी, जिसको जो है ना चाहत होगी, वह रात रात भर खड़ा रह सकता है। जैसे इससे पहले हमारे लीडर आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी गाजीपुर से चल के लखनऊ के लिए रवाना हुए और निर्धारित समय आजमगढ़ में 3 बजे थी, लेकिन वो आए 9 बजे रात को, लोग ठंड में भी आप देखे होंगे 4 बजे भोर तक लखनऊ तक पहुंचने में उनको रोड पर एकदम जमे हुए थे, अपने नेता का स्वागत किए। तो पब्लिक इस तरीके से नेता को चाहती है, जिस तरीके से अखिलेश यादव हम लोगों के प्रिय नेता हैं भाजपा में। ये आज कल तो पोल खुली गया कि ये बटोरिया की भीड़ होती है, बटोरिया की भीड़ जो देरी तक नहीं रुकती, अगर उनका अपने नेता तक मोहब्बत होती तो रात भर नहीं आते, तब भी रुके रहते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लोग अगर जो योजनाएँ ला रहे हैं, भगवान करे वो क्रियांकन हो जाए, वो लागू हो जाए, वो जमीन ग्राउंड पर नज़र आवे, और हम लोग लालीपाप देने वाले से हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये समाजवादी सेकुलर सोच के लोग हैं और समाजवादी विचारधारा के लोग समाजवादी विचारधारा पर जाएंगे। आगे आने वाला चुनाव आपके सामने आएगा कि आजमगढ़ जनपद किसको चुनता है, किसको नहीं चुनता है। आजमगढ़ पहले से भी समाजवादी विचारधारा का था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। देखिए, हिंदुस्तान का दिल है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का दिल है पूर्वांचल, पूर्वांचल का दिल है आजमगढ़, आजमगढ़ जो है समाजवादी का दिल है। ये लोग बार बार आ रहे हैं इसको हिलाने के लिए, लेकिन एक को पैसे का फर्क नहीं पड़ रहा।